वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मध्य प्रदेश का सियासी घमासान इस वक्त सुर्खियों में है और कहानी सिंधिया परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। वैसे बात मध्य प्रदेश की हो तो सिंधिया परिवार का जिक्र होना लाजमी ही है, क्योंकि ग्वालियर राजघराने का शासक रहा यह शाही परिवार करीब 6 दशक से एमपी की राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए है। इस रिपोर्ट में हम रूबरू होते हैं इसी शाही परिवार से, कैसे सिंधिया परिवार ने राजनीति में कदम रखा और कैसे उन्होंने कांग्रेस व बीजेपी में अपनी पकड़ मजबूत की। राजे रजवाड़ों का दौर भले ही बीत चुका है, लेकिन सिंधिया परिवार के सदस्यों को वोटर्स आज भी महाराजा या महारानी के खिताब से नवाजते हैं। खास तौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में आज भी यही परंपरा है। सिंधिया परिवार के सदस्य भले ही मंत्री ना हो, लेकिन उनका शाही खिताब आज भी बरकरार है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराजा कहकर बुलाते हैं। तो ये थी इस शाही परिवार के सम्मान की बात, लेकिन अब रुक करते हैं इसके सियासी इतिहास की ओर। मई 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार समेत दो नुकसान छोड़ दें तो इस शाही परिवार ने राज्य में लोकसभा व विधानसभा के अधिकतर चुनाव जीते ही हैं। और इसकी शुरुआत 1957 में गुना सीट पर विजयाराजे सिंधिया की जीत से हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि राजमाता के नाम से मशहूर विजयाराजे सिंधिया ने अपना पहला चुनाव बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जीता था। इसके बाद उन्होंने जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। विजयाराजे बीजेपी की फाउंडर मेंबर भी थी। उन्हें हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था जब 1980 में बीजेपी ने उन्हें इंदिरा गांधी के मुकाबले रायबरेली में उतारा था। 1957 में पहली जीत और 1980 में पहली हार के बीच विजयाराजे के बीजेपी में जाने की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल इस कहानी की पटकथा लिखी गई थी साल 1967 में। उस वक्त मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम डीपी मिश्रा और विजयाराजे सिंधिया के बीच काफी मतभेद थे। ऐसे में राजमाता ने 1967 का लोकसभा चुनाव गुना सीट पर स्वतंत्र पार्टी के टिकट से लड़ा और जीत दर्ज की। साथ ही जनसंघ प्रत्याशी के रूप में करेरा सीट पर जीत हासिल की। करेरा जीतने के बाद विजयाराजे ने संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। उस दौरान ही उन्होंने एमपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनवाई। ये संयुक्त विधायक दल की सरकार थी जो ज्यादा वक्त नहीं चली। विजयाराजे से शुरू हुई ये कहानी अब माधवराव सिंधिया की ओर चलती है। दरअसल माधवराव ने अपना पहला चुनाव 1971 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, लेकिन उन्हें जनसंघ का समर्थन हासिल था। बाद में मां विजयाराजे सिंधिया से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। माधवराव की जीत का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब वो महज 26 साल के थे। इसके बाद वो कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन 1996 में माधवराव ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई थी। अब हमारी कहानी उस किरदार तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सही पहचाना, अब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात करेंगे। ज्योतिरादित्य की राजनीतिक एंट्री 2001 के उपचुनाव में हुई थी। ये सीट एयर क्रैश में उनके पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद खाली हुई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य ने 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2019 में उन्हें केपी यादव के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य और यादव का मुकाबला एक महाराजा व एक आम आदमी के बीच की लड़ाई के तौर पर पेश किया गया था। गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में सिंधिया परिवार को सिर्फ 2 बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरी हार मई 2019 की और पहली तब जब माधवराव की बहन वसुंधरा राजे भिंड में हार गई थी। ये वो चुनाव था जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लड़ा गया था। उस दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी माधवराव के सामने ग्वालियर में हार गए थे। आजादी से अब तक ग्वालियर और उसके आसपास की सीटों पर शाही परिवार का असर अब भी नजर आता है। इस शाही परिवार ने न सिर्फ अपनी पार्टी में दबदबा बनाया, बल्कि विरोधी दलों में भी उम्मीदवारों के चयन पर असर डाला। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि सिंधिया परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। यहां तक कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी प्रचार भी नहीं किया।
बता दें कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में अपने सफल राजनीतिक सफरनामे की इबारत लिखी और सीएम बनी। वहीं उनकी बहन यशोधरा अमेरिका से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में कई चुनाव जीत चुकी हैं। यशोधरा शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और शिवपुरी से वर्तमान विधायक भी हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत राजस्थान की झारावाल सीट से बीजेपी विधायक हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको सिंधिया परिवार के पूरे सियासी सफर से रूबरू कराया। पहले कांग्रेस से बीजेपी, फिर बीजेपी से कांग्रेस, और अब एक बार फिर बीजेपी का रुख सिंधिया परिवार के लिए अच्छा कदम होगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मध्य प्रदेश की राजनीति और सिंधिया परिवार की अंदरूनी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिए जनसत्ता के साथ।